टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। कोरोना मरीजों के इलाज करने के लिए जो डॉक्टर नर्स कोरोना योद्धा कहे जाते हैं, उनके खाने के लिए जो खाना बिस्किट भेजी जा रही थी वो खिचड़ी ख़राब हो चुकी थी और बिस्किट भी करीब 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुका था। बताइए, कीड़े पड़े हुए खाने के ये खिचड़ी और एक्सपायर हुए बिस्किट डॉक्टर नर्स स्टाफ जो कोविड सेंटर में काम करते हैं उनके लिए ये भेजा गया था। मामला उल्लासनगर महानगर पालिका क्षेत्र का है। दरअसल मुंबई के वडाला से ये टेम्पो उल्लासनगर ये सामान लेकर आया था। इस टेम्पो में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र लिखा हुआ था, मगर चालक के पास इससे संबंधित कोई भी कागज मौजूद नहीं थे और मनसे और भाजपा के पदाधिकारियों ने इस टेम्पो को महानगर पालिका में पकड़ लिया। जब टेम्पो के अंदर बॉक्स खोलकर देखा गया तो उसमें बदबू आ रही थी। जो खिचड़ी के पैकेट थे वो पूरे ख़राब हो चुके थे, उसमें कीड़े पड़ गए थे और बिस्किट भी करीब 6 महीने पहले एक्सपायर हो चुकी थी। वहीं उल्लासनगर महापालिका के जनसंपर्क अधिकारी युवराज भादने ने बताया कि खाना कहां से लाया गया था ऐसी कोई भी जानकारी उनके पास नहीं है। सुनिए मनपा के अधिकारी और जिन लोगों ने इस टेम्पो को पकड़ा है क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। सर बताइए, यहाँ पर कुछ ट्रक आया था उसमें कुछ माल था वो खाली हो रहा था, क्या है ये पूरा मामला, क्या विषय है पूरा? आज शाम को उल्लासनगर महानगर पालिका में एक टेम्पो में हमारे कोविड मरीजों के लिए खिचड़ी बिस्किट टूथब्रश टूथपेस्ट और सामान उसके लिए मुंबई से वडाला से कहीं से मंगाया गया था। तो यहाँ कुछ हमारे कार्यकर्ताओं ने और पत्रकारों ने उसको चेक किया जिसमें से बहुत गंदी स्मेल आ रही थी और उसको चेक किया तो उसमें जो खिचड़ी है खिचड़ी में कीड़े निकले हैं और जो बिस्किट है वो एक्सपायरी डेट के बाद यहाँ भेजे गए हैं। तो ये अभी मैं आयुक्त से मांग करता हूँ कि ये पूरी जो विषय है इसकी एक इंक्वायरी होनी चाहिए, हाई लेवल की इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये ऐसे कैसे हुआ है। और ऐसे भी सुनने को आया है कि कुछ टाइम पहले भी सेम टाइप का माल जो है वो उल्लासनगर महानगर पालिका में मरीजों के लिए आया है। तो ये माल कहाँ से आया है, किसने भेजा है, एक्सपायरी डेट के बिस्किट और इतना कीड़े लगे हुए जो खिचड़ी है वो कैसे आई है, पहले कहीं भटी तो नहीं है, किसी को तकलीफ़ तो नहीं हो गई है उसमें से, तो इसका पूरा इंक्वायरी होना ज़रूरी है। सर अधिकारियों से जब आपकी बात हुई तो क्या आपको वहाँ से पता चला? देखिए, मैंने सगरे जी से पहले बात की, सगरे ने बोला गावड़े जो DMC हैं मालमत्ता के भंडार विभाग के, उन्होंने मुझे इंस्ट्रक्शंस दिए। फिर गावड़े ने बोला हाँ साहब हमको किसी कंपनी ने माल भेजा है। तो जब भी मैंने उनसे पूछा कि कौन सी कंपनी ने आपको माल भेजा है, कौन सी सभी संस्था ने माल भेजा है, क्या डिटेल, तो उन्होंने बताया नहीं मुझे। सर महापालिका में एक ट्रक आया है जिसमें कोविड योद्धाओं के लिए कुछ सामान आया है, पर वो सामान कुछ एक्सपायरी डेट है और कुछ सामान में कीड़े लगे हुए हैं, क्या है ये पूरा मामला और कहाँ से ये ट्रक आया है, क्या आप बताएंगे इस विषय पर? देखिए, मैं जब भी यहाँ महापालिका में एंट्री किया मुझे मेरे ऑफिस से फ़ोन आया, जो रोज़ जैसा मेरा COVID-19 के बारे में प्रेस नोट इश्यू करने का काम रहता है उसके लिए मैं यहाँ पे एंट्री किया, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी भीड़ दिखाई दी, कुछ पत्रकार लोग थे, कुछ नेता लोग थे विविध पक्ष के, मनसे के अध्यक्ष थे बंडू जी देशमुख, वहाँ पर मैंने देखा और सुरक्षा कर्मियों को और अधिकारियों को पूछा कि भाई ये क्या मामला है, उन्होंने बोला ऐसा ऐसा टेम्पो आया है इसमें है, तो मैंने चलन वलन वगैरह सब पूछा किधर से आया क्या है माल, लेकिन कोई ड्राइवर के पास चलन नहीं था, कोई यादव नाम का ड्राइवर था, चलन कुछ नहीं था, महानगर पालिका ने कोई वर्क ऑर्डर नहीं दी है, ना महापालिका ने कुछ वो माल मंगाया है, ना महापालिका ने उसमें उसके कोई लेटर उसके पास है, ना उस पर कोई डिपार्टमेंट ने या स्टोर डिपार्टमेंट ने चलन के लिए कोई ऑर्डर दिया है, लेकिन जिस हमने प्राइवेट सुरक्षा रक्षक रखे हैं वो सुरक्षा रक्षक को कितनी पता है मुझे मालूम नहीं, उन्होंने सामने वाले ड्राइवर ने बोला भाई महापालिका का माल है और वो अंदर ट्रक ले लिया है, उसके बाद ये इशू बना और मुझे मालूम पड़ा। ऐसे कोई ट्रक को महापालिका ने आदेश अंदर आने के लिए प्रवेश देने के लिए भी कोई ऑर्डर दिया नहीं है, ना कोई इस माल को महापालिका ने मंगाया नहीं है, किसी ने क्या डोनेट किया उसके बारे में कोई पता नहीं है। इसके लिए सुरक्षा विभाग की पूरी जानकारी छानबीन करेंगे, सुरक्षा विभाग की इंक्वायरी जो भी डिपार्टमेंट का अधिकारी होगा इंक्वायरी करेंगे और इंक्वायरी करने के बाद उसके ऊपर उचित निर्णय और कार्यवाही करेंगे।